अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड यू विल बी सेफ एंड साउंड एट योर होम। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सारे लेसन्स को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हर लेसन से पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन ऑन पेज नंबर 6 and 7, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये इंस्ट्रक्शन हैं, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, हर लेटर को लिखने की एक अलग इंस्ट्रक्शन गिवन है और अब तक हम फर्स्ट 17 लेटर्स को लिखना सीख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप होमवर्क और क्लास वर्क और सारा वर्क अपना कंप्लीट कर रहे होंगे। आप लोग रफ नोटबुक पे भी प्रैक्टिस करते रहें, फोल्ड लाइंस रफ नोटबुक लें, उस पे भी आप इंस्ट्रक्शंस के साथ प्रैक्टिस करें। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट 17 फोनोग्राम्स वी हैव डन, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फोनोग्राम्स विच आर गिवन ऑन पेज नंबर 20। ऑन पेज नंबर 20 वी हैव नेक्स्ट 3 फोनोग्राम्स दैट वी विल लर्न टुडे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आवर टुडेज फर्स्ट letter that we are going to write. First of all, tell me names of lines. Top line, midline, baseline, bottom line. Very good. Students, if you will touch these lines properly, you can improve your writing. Okay, students? And instructions are very important. Instructions are actually keys of good writing. अगर आप लोग इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके राइटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ, दैट इज र। इट हैज ओनली वन साउंड। सो इंस्ट्रक्शन क्या है इसको लिखने की? वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेस लाइन, शॉर्ट अपस्विंग, हाफ स्लैंट डाउन, हाफ स्लैंट डाउन, कर्व टू बेस लाइन, शॉर्ट डिप। स्टूडेंट, पर्सनली मुझे आर की फॉर्मेशन बहुत पसंद है, ठीक है? तो आप लोग भी इसको लाइक करते हुए लिखेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। इट्स वेरी इजी। शॉर्ट अपस्विंग, हाफ स्लैंट डाउन, नीचे की तरफ हाफ स्लैंट डाउन, देन कर्व टू बेस लाइन, शॉर्ट डिप। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी? आप लोग मेरे साथ साथ इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। शॉर्ट अपस्विंग, हाफ स्लैंट डाउन, कर्व टू बेस लाइन, शॉर्ट डिप। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट फोनोग्राम। इट हैज टू साउंड्स। तो चलते हैं इसकी इंस्ट्रक्शन की तरफ। स्लैंट लाइन, स्टूडेंट्स, स्लैंट लाइन, पुल टू बेस लाइन, रिवर्स डिप। पहले हम इस तरफ डिप करते थे, अब हम इस तरफ करेंगे, दैट्स व्हाई इट्स रिवर्स, ऑपोजिट साइड। क्लियर स्टूडेंट्स? स्लैंट लाइन, पुल टू बेस लाइन, इसको मिलाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे, पुल टू बेस लाइन, रिवर्स डिप। स्टूडेंट्स, कैन यू सी वंस अगेन? स्लैंट लाइन, पुल टू बेस लाइन, रिवर्स डिप। स्टूडेंट्स, दिस इज आवर टुडेज लास्ट लेटर। इट्स ठ। इट हैज ओनली वन साउंड। वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेस लाइन, इसको हम टॉप लाइन तक लेके जाएंगे। टॉल अपस्विंग, स्लैंट टू बेस लाइन, शॉर्ट डिप अक्रॉस। स्टूडेंट्स, ये कनेक्टिंग लाइन अक्रॉस की हम कर चुके हैं। इट्स अक्रॉस, सो दिस इज अ कनेक्टिंग लाइन दैट वी विल यूज इन द राइटिंग ऑफ ठ। वंस अगेन, टॉल अपस्विंग, स्लैंट टू बेस लाइन, शॉर्ट डिप अक्रॉस। Okay students, now we will write our today's first phonogram here. So be attentive and look here carefully. We will start from here. Short upswing, half slant down, curve to baseline, short dip. Students, can you see? Now next one. Now we will write our next phonogram. That is, we'll start from here. Slant line, slant line, pull to baseline, reverse dip. Students, can you see? Okay students, now we write today's last phonogram here. So be attentive. We'll start from here, from baseline.
tall upswing, slant to baseline, short dip across. Students, can you see? Short upswing, slant to baseline, short dip across. Okay students, now we will write our today's first phonogram on board. So look at the board carefully. Once again, tell me name of lines. Top line, midline, baseline, bottom line. So we will start from baseline. Hum isko baseline se start karenge. Look at the board carefully students. Tall upswing, half slant down, curve to baseline, short dip. Students, can you see? Short upswing, इसको मिलाएंगे, half slant down नीचे की तरफ, curve to baseline, short dip. Students, जब भी हम ये letter लिखेंगे, तो आपकी यहां से ये shape होनी चाहिए, like this. Can you see students? Like this, this type of shape you have to make. Okay students, now we are moving forward towards our next letter writing. Instruction mere saath read karein. We will start from baseline. Slant line. Pull to baseline. Milayenge thoda sa. Pull to baseline. Reverse dip. Idhar ki taraf hum isko reverse kar denge. Slant line. Milayenge upar se. Slant line. Pull to baseline. Reverse dip. Okay students, this or today's last letter writing is T. We will start from baseline. Baseline se hum start karenge. Tall upswing, slant to baseline, short dip. Isko triangle banayenge yahan se across. Students, can you see? Tall upswing, we will touch from top line, then slant to baseline, baseline tak slant karenge, then short dip and across. So students, you will write all the three letters with correct formation. Aap achhi achhi writing mein likhenge, instruction ko follow karte hue. Instructions are very important and this is your homework. Page number 20, you will do full page, first line as classwork and the other lines as homework. Inshallah, next lesson attend karne se pehle, aapne achhi tarah se inko practice karna hai. We will meet in next lesson. Take care. Allah Hafiz.